इन पांच ट्रांजैक्शन पर चील की नजर रखता है इनकम टैक्स विभाग। छोटी सी गलती से भी आ सकता है आईटी नोटिस। भले ही आपको लगता हो कि आप कैश ट्रांजैक्शन से टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आपके पांच कैश ट्रांजैक्शन पर चील की नजर रखता है। इनकम टैक्स विभाग को भनक लगते ही आपको नोटिस आ सकता है। आज के वक्त में अधिकतर लोग जो डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग कैश ट्रांजैक्शन करना आसान और अच्छा समझते हैं। वहीं कई लोग तो कैश ट्रांजैक्शन इसलिए भी करते हैं ताकि वे आयकर विभाग के रडार से बचे रह सके। भले ही आपको लगता हो कि आप कैश ट्रांजैक्शन के टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आपके पांच कैश ट्रांजैक्शन पर चील की नजर रखता है। इनकम टैक्स विभाग को भनक लगते ही आपको नोटिस आ सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बैंक खाते में कैश जमा करना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नियम के अनुसार, अगर आप एक वित्त वर्ष में कोई 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा करते हैं, तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है। यह पैसे एक या एक से अधिक खातों में जमा किए गए हो सकते हैं। अब क्योंकि आप तय सीमा से अधिक पैसे जमा कर रहे हैं, तो आयकर विभाग आपसे इन पैसों के स्रोत के बारे में पूछताछ कर सकता है। फिक्स डिपॉजिट में कैश जमा करना। जिस तरह बैंक खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा करने पर सवाल उठता है, वैसा ही FD के साथ भी होता है। अगर आप एक या एक से अधिक FD में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक जमा करेंगे, तो कोई शक होने पर आयकर विभाग आपके पैसों के स्रोत को लेकर सवाल पूछ सकता है। तीसरा है बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसके बारे में आयकर विभाग को सूचना जरूर देगा। ऐसे में इतने बड़े ट्रांजैक्शन की वजह से आयकर विभाग पूछ सकता है कि वो पैसे कहां से लाए। क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो जाता है और आप कैश में उसका भुगतान करते हैं, तो भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैसों का स्रोत क्या है। वहीं अगर किसी वित्त वर्ष में आप 10 लाख रुपए या उससे अधिक का भुगतान किसी भी तरीके से करते हैं, तो आपसे आयकर विभाग सवाल कर सकता है कि पैसे कहां से लाए। शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर और बॉन्ड खरीदना। अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर या बॉन्ड खरीदने में बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल होगा, तो इससे भी आयकर विभाग सचेत हो जाता है। अगर कोई शख्स 10 लाख रुपए या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करता है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच जाती है। ऐसे में आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आप कैश कहां से लाए।